देखिए बात इजाज़त की नहीं है, फिर भी हम उनको लिखित रूप पर देंगे, उनको आमंत्रित करेंगे। लेकिन आरपीएन सिंह जी बीजेपी में गए, हम उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि आरपीएन सिंह के लिए गए निर्णयों को अगर आपने नहीं बदला तो कांग्रेस पार्टी का बड़ा नुकसान होगा। हर उनके मोबाइल को चेक किया जाए, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष के, अगर हर दिन उनकी 3 मर्तबा बात नहीं होती होगी आरपीएन सिंह जी से, तो हम थूक के चाटने को तैयार हैं। हमारे सिंपथाइजर हमसे सवाल करते हैं कि बीजेपी से तो हमारी लड़ाई है, लेकिन हम जो वोट कांग्रेस को देते हैं वह भी बीजेपी में चला जाता है। ये एक बड़ा सवाल है पार्टी के लिए, संगठन के लिए, कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो पार्टी नेतृत्व को, सोनिया गांधी जैसा करिश्माई नेतृत्व है हमारे पास, जिन्होंने 19 साल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रही, और दुनिया में किसी के पास ऐसा उदाहरण नहीं है जो प्रधानमंत्री की कुर्सी को छोड़ देता हो। लेकिन यही वो लोग हैं जो गुमराह करते हैं, संगठन को कमजोर करते हैं। तो ऐसे लोगों का पार्टी में नहीं रहना चाहिए। कार्यकर्ताओं का साथ मिलेगा और वर्तमान में जो कांग्रेस सबको आमंत्रित क्यों बताइए? बिल्कुल साथ मिलेगा सबको आमंत्रित, जैसा किशोर जी ने कहा कि वो ये मंच उन कार्यकर्ताओं के लिए ही रहेगा जिनकी बातें अब भी नहीं सुनी गई हैं, उनके दिलों में अभी भी मलाल है, ठेस है कि 48 घंटे के अंदर पार्टी छोड़ के आने वाले व्यक्ति को महत्वपूर्ण पद दिया गया। ये वो सवाल हैं कि क्या पार्टी छोड़ के जाके आने से ही अगर महत्वपूर्ण पद मिलते हैं तो ये एक बहुत गंभीर मसला है। इसलिए अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।